दिल्ली से बड़ी खबर की अब बात करेंगे। आज से नई संसद में सदन की कार्यवाही चलेगी। आज सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम भी होगा। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन भी होगा। बता दें आपको, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल का संबोधन होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी संबोधन होगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी संबोधन होगा। दोनों सदनों के सदस्यों की ग्रुप फोटोग्राफी भी होगी। तो संबोधन आज होगा, दिग्गजों का संबोधन आज होने जा रहा है सदन में। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज से नई संसद में सदन की कार्यवाही चलेगी। सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम रखा गया है और आज विपक्ष के नेताओं का संबोधन भी होगा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर हम बता दें, महिला आरक्षण पर मोदी कैबिनेट की मुहर लगी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। 20 सितंबर को पेश हो सकता है विधेयक। तो लंबे वक्त से महिला आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई थी और अब जो है इस पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने मंजूरी इसे दी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। 20 सितंबर यानी कि कल विधेयक पेश हो सकता है। लंबे वक्त से इंतजार था। बता दें आपको कि कल जो है कुछ घंटे चर्चाएं हुई हैं और चर्चाओं के बाद जो है इसे मंजूरी दी गई है और अब कल ये विधेयक पेश हो सकता है। महिला आरक्षण को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ये विधेयक आ सकता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। कल जो है विधेयक आ सकता है। कैबिनेट ने इसकी मुहर लगाई है। इस पर महिला आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पिंडरा से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ आएंगे, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। बता दें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। 20 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे दोनों केंद्रीय मंत्री। तो छत्तीसगढ़ का दौरा है केंद्रीय मंत्रियों का। बता दें आपको, लगातार बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है और परिवर्तन यात्रा में दिग्गज जो है शिरकत कर रहे हैं और इसी बीच अनुराग ठाकुर पहुंचने वाले हैं। 20 सितंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं दोनों केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ आएंगे। बता दें आपको, बड़ी सभा होगी, बड़ी यात्रा होगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होने जा रही है जिसमें शामिल होने के लिए अनुराग ठाकुर पहुंच रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। पार्टी के दिग्गज नेता यात्रा में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी यात्रा में शामिल होंगे। खुरई में सीएम शिवराज पुष्कर धामी यात्रा में शिरकत करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है, इसमें लगातार दिग्गज जो है शिरकत कर रहे हैं और इसी बीच उत्तराखंड के सीएम धामी शामिल होंगे। और कांग्रेस की आज से जन आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश में चालू होगी। 11,400 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। 7 संभागों से 7 दिग्गज नेता यात्रा की अगुवाई करेंगे। अरुण यादव दमोह से शुरू करेंगे यात्रा। गोविंद सिंह श्योपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे तो वहीं कमलेश्वर पटेल सिंगरौली के चितरंगी में मौजूद रहेंगे। देवास की बात करेंगे जहां पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में जुआरियों पर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने टीम बनाकर जुए के अड्डे पर दबिश दी और मौके से 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे 23 मोबाइल और 40,000 से अधिक की राशि जब्त की। खास बात यह है कि इस कार्रवाई की भनक किसी को ना लगे, इसीलिए पुलिस ने मैजिक वाहन का इस्तेमाल किया। कोतवाली TI दीपक यादव ने बताया कि सूत्रों से शाम को सूचना मिली थी कि शहर में बड़ी संख्या में अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर
पर टीम बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। किसी को इसकी भनक न लगी इसके लिए मैजिक वाहन का उपयोग भी किया गया। कुछ लोग यहाँ जुआ खेल रहे हैं तो उस पर पूरी टीम को ले आकर वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 23 लोग मौके पर मिले, जिनके पास से एक एक मोबाइल, लगभग 23 मोबाइल और 40,270 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। दो कार और कुछ बाइकें बरामद हुई हैं।